Hey guys, in last previous lecture we have seen SHFG bolt in steel structure, in design of steel structure. Now today, taking it to further, we will see welding. Okay, so what is welding? Welding is a process of connecting metal pieces by application of heat with or without pressure. So what is welding? It is the process of connecting metal pieces by application of heat. It in term of it fused the metal with or without pressure. Okay, अब types of welding process. There are so many types of welding process. क्या क्या है देखते हैं. तो सबसे पहला होता है फोर्ज वेल्डिंग, ठीक है. सेकेंड वन क्या होता है? थर्माइट वेल्डिंग, ठीक है. तीसरा क्या है मेरा? गैस वेल्डिंग. उसके बाद क्या है? रेसिस्टेंस वेल्डिंग. एंड फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग. और अभी नाउडेज इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग बहुत ज़्यादा यूज होता है. सो राइट इन कमेंट बॉक्स व्हाट इज फोर्ज वेल्डिंग, गैस थर्माइट वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, रेसिस्टेंस वेल्डिंग एंड इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग. ओके, सो तो वेल्डिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है ऑफ कनेक्टिंग मेटल्स. अब इसके कुछ एडवांटेज होते हैं, ठीक है. क्या क्या एडवांटेज है? तो हमने देखा था बोल्ट में कि जब भी बोल्ट मेरे को यूज करना है तो मेरे को होल बनाना होगा, ठीक है. होल्स का बनाना होगा, तो इस होल के कारण ये जो स्ट्रेंथ है प्लेट का वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है. स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाता है और इस प्लेट का एरिया रिड्यूस हो जाता है, ठीक है. तो यहाँ पर वेल्डिंग में वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. तो हम वो बोल सकते हैं इन एडवांटेज ऑफ वेल्डिंग में, तो देर इज नो होल्स. ओके, सो देर इज नो रिडक्शन ऑफ एरिया, ठीक है. अब क्या है कि जो मेरा टोटल वेट है, जब भी हम लोग बोल्ट कनेक्शन करेंगे तो बहुत टाइम मेरे को क्या है कि एक्स्ट्रा प्लेट लगाना पड़ता है, ठीक है. तो उस प्लेट के कारण जो स्ट्रक्चर है उसका वेट ज़्यादा हो जाता है इन केस ऑफ बोल्ट. बट इन केस ऑफ वेल्डिंग टोटल वेट जो मेरा है वो मेरा कम रहता है, ठीक है. एज नो गसेट प्लेट, गसेट प्लेट हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है. कनेक्टिंग एंगल हम लोग नहीं यूज करते हैं इस केस में, ठीक है. जब हम लोग ये सब प्लेट नहीं यूज करेंगे तो ये सेक्शन भी मेरा क्या होगा? ये मेरा इकोनॉमिक होगा, ठीक है. ओके, व्हाट इज गसेट प्लेट? मेंशन इन कमेंट बॉक्स, ठीक है. वेल्डिंग जो होता है ये मेरा हाईली एफिशिएंट होता है, ठीक है. क्यों हाईली एफिशिएंट होगा? वी डिस्कस किया कि होल नहीं है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है. इसलिए हाईली एफिशिएंट होता है, ठीक है. अब जो गसेटिंग या फिर एक्स्ट्रा प्लेट हम लोग लगाते हैं, बोल्ट्स लगाते हैं, इसके कारण लुक मेरा क्या होता है? थोड़ा डस्टी रस्टी होता है, ठीक है. यहाँ पर मेरा लुक ठीक रहता है, यानी लुक बेटर.
और क्या है जो मेरा स्पीड ऑफ फैब्रिकेशन है इज हाई। ओके बोल्ट के और क्या है इसमें हमको क्या मिलेगा कंप्लीट रिजिड जॉइंट। ठीक है बोल्ट वेल्डिंग के कारण क्या होता है एक प्लेट दूसरा प्लेट कनेक्ट करना है तो ये कंप्लीट रिजिड होगा, लेकिन बोल्ट में क्या होता है ये रिजिडनेस लूज करता है, जैसे ये वाइब्रेशन या किसी कारण से इसका बोल्ट्स नट लूज होने लगेगा तो इसका रिजिडनेस लूज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट रिजिड जॉइंट मेरे को मिल जाएगा। ठीक है इसमें अल्टरेशन एंड एडिशन इज मच इजियर। ठीक है नो नॉइज और वेरी लेस नॉइज एज कंपेयर टू बोल्ट। ठीक है जो वेल्डिंग प्रोसेस है इट रिक्वायर लेस वर्क स्पेस। ठीक है और क्या क्या है एडवांटेज एनी शेप हम लोग कोई भी शेप इसमें आसानी से बना सकते हैं, तो ये और भी कुछ कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। तो इफ़ देयर इज एडवांटेज देयर मस्ट बी सम डिसएडवांटेजेस, सो अब देखते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है अब क्या है ये मेरा बहुत ज़्यादा ब्रिटल होता है। ठीक है इसलिए देयर फोर देयर फटीग इज लेस। ठीक है अनइवन कूलिंग एंड हीटिंग वेल्डिंग कारण अनइवन कूलिंग और हीटिंग होता है, जिसके कारण स्ट्रेंथ मेरा कम हो सकता है क्योंकि इसके कारण मेंबर मेरा डिस्टॉर्ट हो सकता है। ठीक है इसके लिए मेरे को स्किल्ड लेबर चाहिए। ठीक अब क्या है कि हम लोग यहाँ पे कंप्लीट रिजिड जॉइंट अचीव कर लेते हैं, इसलिए नो प्रोविजन ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का कोई प्रोविजन नहीं है, इसलिए क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी ओके। इसमें और क्या है इंस्पेक्शन इज कॉस्टली। इसका जो इंस्पेक्शन है वो कॉस्टली हो सकता है क्योंकि हम बहुत बारीकी से देखना होगा कि वेल्ड मेरा कहीं लूज तो नहीं हो रहा है। ठीक है और टेडियस भी है। ठीक है अब इसमें मेजर एक प्रॉब्लम है वो क्या है तो इसमें इंटरनल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है इसके जो डिफेक्ट्स हैं लाइक इंटरनल एयर पॉकेट। ठीक है स्लैग इंक्लूजन। ठीक है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। ये सब को क्या है डिटेक्ट करना इजी नहीं है, सो इनके कारण क्या है कि इसका जो मेंटेनेंस है इज डिफिकल्ट, तो ये सब इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब आगे देखते आगे मेरा टाइप्स ऑफ वेल्ड तो बेसिकली तीन टाइप्स ऑफ वेल्ड होते हैं। पहला हो गया मेरा फिलेट वेल्ड। ठीक है दूसरा हो गया बट वेल्ड और तीसरा हो गया
प्लग वेल्ड। ठीक है, फर्स्ट वन देखते हैं, फिलेट वेल्ड। ठीक है, तो फिलेट वेल्ड क्या है? जब भी मेरे दो प्लेट, एक प्लेट और दूसरा प्लेट, ठीक है, इस दोनों प्लेट को क्या किए हम, वेल्ड किए ऐसा, तो इस टाइप के वेल्ड को हम लोग बोलेंगे फिलेट वेल्ड। इसका अगर प्लान देखें हम लोग, तो हम लोग वेल्ड कहाँ किए हैं, इस सेक्शन का और इस सेक्शन का, तो इस टाइप के वेल्ड को हम लोग बोलेंगे फिलेट वेल्ड। अब क्या है कि ये जो वेल्ड है इसको क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंट प्लेन में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन इन डिफरेंट प्लेन। अब सेकंड वन, बट वेल्ड। ठीक है, बट वेल्ड क्या होता है कि जब भी ज्वाइनिंग मेरा क्या होगा, सेम प्लेन में होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे बट वेल्ड। जैसे एक प्लेट दूसरा प्लेट, जो भी मेरे ज्वाइनिंग है, दोनों ज्वाइनिंग मेरे सेम प्लेट में है, तो ये सेम प्लेन, तो इसको बोल दिए हम लोग बट वेल्ड। ठीक है, अगला होता है प्लग वेल्ड। अब प्लग वेल्ड क्या होता है, कभी होता है कि जो मेरा रिक्वायर्ड वेल्ड लेंथ होना चाहिए वो मेरे को किसी कारण से नहीं मिल पाता है, तब हम लोग अपने से वेल्ड का लेंथ बनाते हैं। ठीक है, यूजिंग सब मॉडिफिकेशंस, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लग वेल्ड। जैसे मान लेते समझते हैं ये एक प्लेट है, ठीक है, अब इसको यहाँ वेल्ड करना है, तो वेल्ड करने के लिए अभी हमको कितना सरफेस मिलेगा, एक सरफेस, दो सरफेस, ये L1, सेम L1 और ये L2, तो टोटल वेल्ड के लिए हो गया L1 प्लस L1 प्लस L2। ये अभी हम इतना पोर्शन में इसको वेल्ड कर सकते हैं, बट इट इज़ मच लेस देन लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ प्लग अरेंज करते हैं। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर वेल्ड करते हैं, तो इसको बोलेंगे हम लोग, इस टाइप के वेल्ड को बोलेंगे प्लग वेल्ड। ठीक है, तो क्या हो गया, स्लॉट इज, यहाँ पर हम लोग स्लॉट बनाए, इज इंसर्टेड टू इंक्रीज लेंथ ऑफ जॉइंट। ओके, इस टाइप को हम लोग बोलेंगे प्लग वेल्ड। अब आगे, अब क्या है, ये था टाइप्स ऑफ वेल्ड। अब आगे क्या है कि बहुत टाइप्स ऑफ वेल्ड होते हैं, जैसे फिलेट वेल्ड, स्क्वायर वेल्ड, इसको हमेशा हम इस तरह नहीं दिखा सकते, इसके लिए हम लोग कुछ सिंबल यूज़ करते हैं, तो देखते हैं बेसिक सिंबल्स ऑफ वेल्ड एंड बेसिक सिंबल्स ऑफ वेल्ड। ठीक है, सबसे पहले है फिलेट। फिलेट जॉइंट कैसा होगा, डिफरेंट प्लेन पे होता है, इसका सेम होगा। ठीक है, इसी तरह स्क्वायर बट वेल्ड, पैरेलल, ये दो पैरेलल लाइन से दिखाते हैं, जब भी पैरेलल आ रहे तो समझ जाएंगे ये स्क्वायर बट वेल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट वन,
सिंगल वी बट वेल्ड, ठीक है, ये कैसे होगा? ऐसा रहते हैं सिंगल वी बट वेल्ड। हाँ, नेक्स्ट वन इज डबल वी बट वेल्ड, ये कैसा होगा? इसको बोलेंगे हम लोग डबल वी। कैसे दिखाएंगे? एक वी एंड अनदर वी, सिंगल यू बट वेल्ड इसी तरह डबल वी डबल यू बट वर्ल्ड, इसका सिंबल सिर्फ मैं सिंबल बना दे रहा हूँ। सिंगल बेवल बट वर्ल्ड, इसके लिए ऐसा, ठीक है, डबल बेवल बट वर्ल्ड, इसके लिए ऐसा, ठीक है, सिंगल जे, इसके लिए ऐसा, फिर डबल जे, इसके लिए ऐसा। तो ये कुछ सिंबल्स हैं, ठीक है, इन्हें याद करना होगा, एक नंबर क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज। ओके, नाउ कुछ कुछ शेप है, तो शेप ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, क्या क्या शेप है? तो बेसिकली तीन टाइप से शेप है, फ्लैट शेप, ऐसा रहा फ्लैट वर्ल्ड, ठीक है, कन्वेक्स, ऐसा रहा कन्वेक्स, और कनकेव, ऐसा रहा कनकेव। तो ये तीन वर्ल्ड के शेप होते हैं, फ्लैट कन्वेक्स एंड कनकेव। ओके, सो दिस, ओके, सो दिस मच फॉर दिस सेशन। स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, स्टे हेल्दी, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन। गॉड ब्लेस यू।